तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा कौन से स्टेट में कौन सा आईआईटी है, कौन सा एनआईटी है, कौन सा ट्रिपल आईटी है, कौन सा जीएफटी आई है। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली मैं सिर्फ आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी की बात करूंगा। जीएफटी आई दूसरे वीडियो में बात कर लेगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं हर एक स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस है वो सब बताने वाला हूँ आपको। तो यार ये समझ लो कि जेई मेन के थ्रू जो कॉलेज होते हैं, जेई मेन के थ्रू जो कॉलेज मिलेगा आपको, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जेई मेन के बाद आपको काउंसलिंग होती है, एक जैक दिल्ली की होती है जिसमें आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली और एनआईटी, एनएसआईटी, डीटी ये सब आते हैं। और बाकी की होती है जोसा में मेन काउंसलिंग होती है, सारे एनआईटी और ट्रिपल आईटी आईआईटी सब पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर। तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो आपको मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या है। तो पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं इन कॉलेजेस के बारे में। तो यार एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी वालों ने फ्री मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया है, आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। फ्री में मॉक टेस्ट चलेगा, हर वीक मॉक टेस्ट चलेगा, या हर वीक होगा, हर संडे आपका टेस्ट होगा। पहला संडे कल 12 जुलाई को होगा, इसका टेस्ट स्टार्ट होगा। फ्री में आप रजिस्टर करो और उसका मॉक टेस्ट दो। और मैं जितने भी बंदे देख रहे ना, सब लोगों को बोलूंगा ये रजिस्टर कर लेना, क्योंकि कोई भी मॉक टेस्ट की बात करूं मैं, कोई भी मॉक टेस्ट हो, उससे आपको क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है कि आपके जेईई मेन में कितने मार्क्स आ सकते हैं। और अनअकैडमी वालों का इतना एक्सेलेंस होता है, इतना अच्छा होता है, मतलब टीचर जो होते हैं इतने टाइम से करवा रहे हैं, मतलब जितनी आपकी एज नहीं होगी ना उतना उनका टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, तो उनको एक आइडिया लग जाता है अच्छे से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे पेपर आते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा आइडिया होता है। तो उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो उनका आप टेस्ट दोगे हर वीक, और जो भी ये टेस्ट दोगे ना एकदम सिंसियर होकर, कम्प्लीटली सिंसियर होकर, ढंग से डेडिकेटेड होकर ये टेस्ट देना, ताकि आपको और मार्क्स आएंगे ना, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जेईई मेन में एस्टीमेट कितने मार्क्स आ सकते हैं। जितना आपका मार्क्स आ रहे होगा ना, ऑन एवरेज इतने आएंगे, क्योंकि जितने मैं भी अपनी बात करूँ, अपने टाइम जब प्रिपेयर कर रहा था तो मॉक टेस्ट में जितने मेरे मार्क्स आ रहे थे, उतने ही उस समय जो मेरे जेईई मेन्स में मार्क्स आए तो ऑलमोस्ट उतने ही आए थे, 5-10 मार्क्स का डिफरेंस था। तो याद रखना है, मॉक टेस्ट अभी दोगे आप, आपके जेई मेन जब तक एग्जाम, अभी जेई मेन का एग्जाम नहीं होता तब तक ये मॉक टेस्ट चलेंगे हर वीक, और उसके सॉल्यूशन भी मिलेगा साथ ही साथ। अगर आपका टेस्ट हुआ उसके बाद आपके सॉल्यूशन क्लासेस भी होगी, जिसमें आप वो भी फ्री में अटेंड कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आए थे उसको फ्री में सॉल्यूशन होगा। और इस मॉक टेस्ट से मुझे पता है आपको काफ़ी फायदा होगा। तो अगर मैं आईआईटी की बात करूँ तो आईआईटी की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एनआईटी की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ट्रिपल आईआईटी की बात करें तो तीन डेफिनेशन आती है हमारी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक जो दिल्ली वाला उसको इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब ट्रिपल आईटी से, और जीएफटी तो जैसे जीएफटी की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टोटल हमारे 23 आईआईटी से और 31 एनआईटी है, 31 है, 32 नहीं है, क्योंकि जो आईआईईएसटी शिपगुर है वो एनआईटी नहीं, वो जीएफटी में आता है। तो 31 हमारे एनआईटी आ गए। और अगर मैं इसकी बात करूँ ट्रिपल आईटी की, तो टोटल हमारे 30 ट्रिपल आईटी और टेक्निकली 28 है, क्योंकि दो ट्रिपल आईटी को जीएफटी में कंक्लूड किया जाता है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा उनके बारे में। तो सिर्फ हमारे अभी 28 ट्रिपल आईटी, अभी याद रखूंगी 28 ट्रिपल आईटी से हमारे पास। तो मैं इन सबके बारे में डिस्कस करता हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर आपको 30 ट्रिपल आईटी के नाम बता दूंगा, मगर कौन सा जीएफटी है वो नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेट वाइज देखते हैं कौन से स्टेट में कौन सा एनआईटी है, कौन सा ट्रिपल आईटी है, कौन सा आईआईटी है। तो यार जितने भी ट्रिपल आईटी और एनआईटी है इसके ऊपर हमने वीडियो पहले ही बना रखा है, इन सबके ऊपर पर्टिकुलर वीडियोस बना रखे हैं, 15 एनआईटी और 15 ट्रिपल आईटी के ऊपर पहले भी वीडियो बन रखा है, और बाकी के ऊपर वीडियो भी बन जाएगी। तो अब स्टेट वाइज देख लेते हैं। तो हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर आईआईटी तिरुपति है, एनआईटी आंध्र प्रदेश है, और दो ट्रिपल आईटी है, एक ट्रिपल आईटी का नाम चित्तौर है और एक का नाम ट्रिपल आईटी डीएम करनौल है। ट्रिपल आई डी एम की फुल फॉर्म क्या है, ट्रिपल आई टी फिर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और करनौल है इसका नाम, ठीक है, फुल फॉर्म। अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो इसमें सिर्फ एक एनआईटी है, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश। असम की बात करूँ तो असम में आपका आईआईटी गुवाहाटी आ जाएगा, एनआईटी सिलचर आ जाएगा, और आपका ट्रिपल आईटी गुवाहाटी आ जाएगा। बिहार की बात कर लेते तो आईआईटी पटना, एनआईटी पटना और ट्रिपल आईटी भागलपुर। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते तो आईआईटी बिहाली, एनआईटी रायपुर, और हमारा ट्रिपल आईटी नया रायपुर आ जाएगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपका आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, एनआईटी दिल्ली हो जाएगा, और ट्रिपल आईटी दिल्ली आ जाएगा। गोवा में भी आपका आईआईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपका आईआईटी गांधीनगर होगा, एनआईटी सूरत होगा, जिसको हम लोग एसवीएनआईटी के नाम से जानते हैं, और ट्रिपल आईआईटी वडोदरा है, और ट्रिपल आईआईटी सूरत है, दो ट्रिपल आईआईटी है इसके अंदर। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में आपको सिर्फ एनआईटी कुरुक्षेत्र मिलेगा, और ट्रिपल आईआईटी सोनीपत मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करते तो इसमें आपको आईआईटी मंडी मिलेगी, एनआईटी हमीरपुर मिलेगा, और ट्रिपल आईटी यूएनए मिलेगा, इसके ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो झारखंड में आपको आईआईटी धनबाद मिलेगा, एनआईटी जमशेदपुर मिलेगा, और आपको ट्रिपल आईटी रांची मिलेगा। अब कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक में आपको आईआईटी धनबाद मिलेगा, एनआईटी कर्नाटक है, एनआईटी सूरत कल कह लो, और आपको तीन ट्रिपल आईटी इसके अंदर, तीन ट्रिपल आईटी कर्नाटक के अंदर, ट्रिपल आईटी धनबाद, ट्रिपल आईटी रायचूर, रायचूर, और ट्रिपल आईटी बेंगलोर है, ठीक है, तीन आपको इसके अंदर कर्नाटक में ट्रिपल आईटी मिल रहा है।
तो केरला में आपको आईआईटी पलकत करके मिलेगा, एनआईटी कैलिकट है, और आपका ट्रिपल आईटी कोटियाम है। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो यार मध्य प्रदेश में भी आपको आईआईटी इंदौर मिलेगा, एनआईटी भोपाल मिलेगा, और इसके अंदर इसमें भी तीन आपको ट्रिपल आईटी मिलेगा। एक आपको ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर मिलेगा, इसके ऊपर भी वीडियो बना रखे है, ट्रिपल आईटीएम जबलपुर, ट्रिपल आईटी डीएम मतलब वही डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग आ गया हमारा ग्वालियर मिलेगा, और एक ट्रिपल आईटी भोपाल मिलेगा। तो इसमें तीन ट्रिपल आईटी आ गए इसमें भी। अब मैं महाराष्ट्र की बात कर लेता हूँ, तो यार महाराष्ट्र में आपको आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, एनआईटी नागपुर मिलेगा, और आपको ट्रिपल आईटी नागपुर भी मिलेगा और ट्रिपल आईटी पुणे भी मिलेगा, तो दो ट्रिपल आईटी इसके अंदर। मणिपुर की बात करूँ तो इसमें सिर्फ एनआईटी मणिपुर है और ट्रिपल आईटी मणिपुर है। मेघालय में आपका एनआईटी मेघालय है, मिजोरम में आपका एनआईटी मिजोरम है, और नागालैंड में भी आपका एनआईटी नागालैंड है। तो उड़ीसा की बात कर लेते, तो उड़ीसा में आपको आईआईटी भुवनेश्वर मिल जाएगा, एनआईटी रोरकेला मिल जाएगा जो काफी टॉप एनआईटी में आता है, और ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है। तो पंजाब की बात कर लेते, आपको आईआईटी रोपर मिलेगा, इसमें मेरा सब्सक्राइबर था तो आप वो देख सकते हैं वीडियो। जलंधर, एनआईटी जलंधर मिलेगा इसके अंदर। और राजस्थान की बात करूँ तो जोधपुर मिलेगा, एनआईटी जयपुर मिलेगा आपको इसके अंदर, एमएनआईटी जयपुर इसकी भी वीडियो बना रखी हमने, और ट्रिपल आईआईटी कोटा मिलेगा। सिक्किम में आपको एनआईटी सिक्किम मिलेगा, सिर्फ एनआईटी सिक्किम ही है। और यार याद कर लो, सेवन सिस्टर में सिर्फ आपको एक ही आईआईटी है, जो पूरे सेवन सिस्टर है उसमें सिर्फ आपको एक ही आईआईटी मिलेगा। तमिलनाडु में आपको आईआईटी मद्रास मिलेगा, एनआईटी त्रिची मिलेगा, ट्रिपल आईडीएम कांचीपुरम मिलेगा, और एक और ट्रिपल आईटी होगा, ट्रिपल आईटी त्रिचीपुरम, ठीक है, त्रिचुपल्ली। और आप तेलंगाना की बात करें तो आईआईटी आपको हैदराबाद मिलेगा, आईआईटी हैदराबाद भी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी, और आईआईटी वारंगल भी है। तो इसके अंदर जितने भी कॉलेज है आपके तेलंगाना में, सारे कॉलेज टॉप के कॉलेज में आते हैं। त्रिपुरा की बात करूँ तो आपको त्रिपुरा में एनआईटी अगरतला मिलेगा, ट्रिपल आईटी अगरतला मिलेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें आपको दो आईआईटी भी मिलेगा, दो ट्रिपल आईआईटी भी मिलेगा। तो दो आईआईटी कौन से, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी वाराणसी, इसको आईआईटी बीएचयू के नाम से भी जानता है आप लोग। फिर आपका एनआईटी इलाहाबाद है, एनआईटी इलाहाबाद हर कोई जानता है, एनआईटी आपको इसके अंदर ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद भी मिलेगा, ट्रिपल आईआईटी लखनऊ भी मिलेगा। लखनऊ काफी अच्छा, मतलब अभी नया कॉलेज है, ट्रिपल आईआईटी लखनऊ काफी जल्दी आगे बढ़ रहा है, तो उसको देख लेना। अब हमारा उत्तराखंड के अंदर आईआईटी रुड़की आता है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आईआईटी रुड़की के ऊपर एनआईटी उत्तराखंड आता है, तो उसके ऊपर भी वीडियो है यार, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, काफी एनआईटी और ट्रिपल आईआईटी इसके ऊपर वीडियो बन रखी है। और अब मैं इसकी बात करता हूँ वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा आईआईटी खड़गपुर मिलेगा, एनआईटी दुर्गापुर मिलेगा, और ट्रिपल आईआईटी कल्याणी मिलेगी। तो तीन कॉलेज इसके अंदर है तीनों। जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो आपको आईआईटी जम्मू मिलेगा और एनआईटी श्रीनगर मिलेगा। फिर हमारा लास्ट में आता है पुडुचेरी, पुडुचेरी में आपको एनआईटी पुडुचेरी मिलेगी। तो ये सारे कॉलेज थे स्टेट वाइज, मैंने आपको सारे बता दिए, इसमें आईआईटी एनआईटी और ट्रिपल आईटी की बताती है। और ट्रिपल आईटी के डिटेल में जो होता है ना कि कौन सा कॉलेज आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग में होगा, कौन सा आपका एमएचआरडी की तरफ से गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट कॉलेज है मतलब, तो इन सबके ऊपर वीडियो में दूसरे पार्ट में बता दूंगा, उसके अंदर मैं डिटेल में बता दूंगा कौन सा ट्रिपल आईटी कौन सा है, और उसकी फुल फॉर्म सारी उसके अंदर बता दूंगा। और आपको जीएफटीआई की वीडियो भी उसके अंदर मिल जाएगी, जीएफटीआई की लिस्ट, कौन सी जीएफटीआई कौन से स्टेट में मिलेगा, तो उसके अंदर दूसरी पार्ट के अंदर वो वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो जल्दी आने वाली है, वो भी कल परसों में वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वीडियो भी देख लेना। तो अरे वीडियो आपको अच्छी लगे ना, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो शेयर करो, ताकि ये अवेयरनेस फैले लोगों के बीच में कि कौन सा आईआईटी कौन सा एनआईटी कौन सा ट्रिपल आईटी है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना अगर आपने अभी तक नहीं दबाया। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।